देश के जाबान सपूत अर्जन सिंह ने 16 सितंबर को 98 साल की उम्र में दिल्ली के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनका जीवन बेहद ही हौसले और प्रेरणा से भरा रहा। अर्जन सिंह का जन्म 15 अप्रैल 1919 को आज के पाकिस्तान में फैसलाबाद पंजाब प्रांत में हुआ। 1938 में केवल 19 साल की उम्र में पायलट ट्रेनिंग के लिए चयन हो गया। 2 साल की ट्रेनिंग होनी थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण 1939 में ही ऑफिशियल विमान उड़ाने का काम मिल गया। 1944 में अर्जन सिंह को स्क्वाड्रन लीडर बनाया गया और अराकान कैंपेन के दौरान जापानियों के खिलाफ मणिपुर में टीम का नेतृत्व किया। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो लाल किले के ऊपर से 100 एयरक्राफ्ट के फास्ट फ्लाई को भी अर्जन सिंह ने ही लीड किया था। 1949 में वेस्टर्न कमांड का जिम्मा संभाला। 1 अगस्त 1964 से 15 जुलाई 1969 तक वायुसेना के प्रमुख रही। 1965 में पाकिस्तान ने जब ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया तो रक्षा मंत्री वाई बी चौहान के कहने पर 1 घंटे के भीतर पाकिस्तान पर हमला करने का अर्जन सिंह ने दावा किया था, और हकीकत ये थी कि 26 मिनट बाद ही एयरक्राफ्ट उड़ान भर चुके थे। 1965 में अर्जन सिंह को पद्म विभूषण से नवाजा गया और 1969 में भी एयरफोर्स से रिटायर हो गए। बहादुरी का दूसरा नाम थे अर्जन सिंह। वे कहते थे कि जब तक बुलेट बगल से न निकले तब तक लगता नहीं कि वे जंग के मैदान में। बात फरवरी 1945 की है जब अर्जन सिंह ने केरल में अंग्रेज अधिकारी कॉर्पोरल के घर के ऊपर बिना इजाजत के विमान उड़ाया, वो भी बेहद कम ऊंचाई पर। एक बार नहीं बल्कि कई चक्कर लगाए। बाद में अर्जन सिंह पर कोर्ट मार्शल भी हुआ, लेकिन वे बेहद ही चालाकी से बच निकले। 1971 में वे स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत बने। राजदूत के रूप में वेटिकन और केन्या में भी अपनी सेवाएं दी। दिसंबर 1989 से दिसंबर 1990 के बीच में दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में सेवाएं दी। 2002 में अर्जन सिंह को मार्शल की पदवी दी गई। अर्जन सिंह 5 रैंक प्राप्त थे। अब तक केवल 3 अधिकारियों को ही 5 रैंक मिली है। एयर मार्शल अर्जन सिंह और थल सेना से 1971 में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले मानिक शाह और भारत के पहले सेना अध्यक्ष KM मरियप्पा को। अर्जन सिंह जंग के मैदान में जितने बहादुर थे उतने ही निजी जिंदगी में दिलदार भी थे। रिटायरमेंट के बाद दिल्ली में अपनी 2 करोड़ की जमीन को बेचकर पैसा सेवानिवृत्त एयरफोर्स कर्मियों के कल्याण में लगा दिया। जुलाई 2015 में जब पूर्व राष्ट्रपति कलाम का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया तो सब श्रद्धांजलि देने पहुंचे, उनमें अर्जन सिंह भी थे। अर्जन सिंह आए तो व्हील चेयर पर थे, लेकिन कलाम के पार्थिव शरीर के पास चलकर गए और तनकर सलामी भी दी। अप्रैल 2016 में अर्जन सिंह के जन्मदिन पर पश्चिम बंगाल के पानगढ़ एयरबेस का नाम अर्जन सिंह एयरबेस किया गया। देश ऐसे जाबांजों को सदियों तक याद रखेगा। धन्य है वो धरती जिसकी गोद में ऐसे सपूत जन्म लेते हैं। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।